सो फाइनली दोस्तों सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्या, जी हाँ दोस्तों, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड वी आर वेटिंग फॉर द एक्साइटेड टीजर। दोस्तों बहुत जल्द टीजर आने वाला है, बताऊंगा दोस्तों कब आएगा टीजर। एंड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा कि भैया जो अजय देवगन की फिल्म में दृश्यम, दृश्यम टू, शैतान मूवी अब बॉक्स ऑफिस पर रोड कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है। ऐसे में दोस्तों जो एक वैल्यू अजय देवगन ने अपनी ऑडियंस के दिल में बना रखी है, खास तौर पे सस्पेंस वाली फिल्में, फैमिली वैल्यूज वाली फिल्में, ऐसे में दोस्तों जहां एक तरफ सूर्या मूवी बताई जा रही है, एक ऐसी मूवी की रीमेक है जिसको बहुत सारे नेशनल अवार्ड मिले गए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड मिले गए हैं, और ऐसे में दोस्तों अगर वो मूवी वाकई में थिएटर में आती है तो क्या सनी देओल की जो पहचान है ये सस्पेंस मूवी, एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी से क्या दोस्तों एक नया बेंचमार्क सेट हो पाएगा। अजय देवगन की एटलीस्ट दृश्यम 2 एंड ऑफकोर्स दोस्तों शैतान मूवी के रिकॉर्ड भी तोड़ पाएगी। तो दोस्तों ऐसे में टीजर को लेके बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है सूर्या फिल्म को लेकर, एंड सन्नी पाजी हमारे ऑफ कोर्स यार सूर्या मूवी के अपडेट तो मैं दूंगा ही दोस्तों, लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, एंड दोस्तों अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो भाई प्यार कर लो ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि जहां एक तरफ हमारे सनी देओल की तमाम फिल्में आ रही, इस साल लाहौर 1947 की शूटिंग चल रही है, यमला पगला दीवाना भी आने वाली है, हाउसफुल 5 आने वाली है, क्या बोलते हैं लाहौर 1947 के अलावा बाप मूवी है वो आने वाली है, रामायण मूवी आने वाली है, अपने 2, गदर 3, मतलब दोस्तों कमाल की फिल्में तो चल ही रही है, शूटिंग वूटिंग सब तैयार हो रहा है। कुल मिला के हमारे सनी देओल जो है दोस्तों बिजी है। ऐसे में छपरी गैंग कहीं ना कहीं ऑफकोर्स डरे हुए हैं, और यहां मैं देख रहा हूं कि भैया ये लोग सोच रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से पठान जल्दी आ जाए, टाइगर वर्सेस पठान आ जाए और पठान 2, 3, 4, 5 आ जाए, तो दोस्तों ये कितने पठान लेकर आ जाए उससे काम नहीं बनेगा। और हेटर लगो मैं बता दूं भैया, रमैया अवस्था भैया सूर्या फिल्म आ रही है भैया, बॉक्स ऑफिस का शेयर फिर से कम बैक करेगा भैया, बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म कमाएगी 500 करोड़ के पार भैया। और छपरी लोगो प्लीज कंटेंट पे जाओ ना कि छपरी गिरी पे भैया। सो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्या मूवी के अंदर बड़े बड़े स्टार नजर आने वाले हैं, बता दूं भैया रवि किशन जी है, उसके अलावा चित्रांगदा सिंह है क्योंकि उनके अपोजिट में सनी देओल की यंग लेडी नजर आने वाली है, इसके अलावा वीरती वगनानी है, एंड आपको बता दूं कि तनुश्री भी है इसके अंदर। साथ ही साथ इस फिल्म को ऑफकोर्स प्रोड्यूस किया है MM मूवीज, एंड इसके जो डायरेक्टर है ऑफकोर्स ये फिल्म रीमेक है। आजकल दोस्तों रीमेक फिल्मों का दौर है, जब अजय देवगन रीमेक फिल्म लाकर बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ सकते हैं तो भैया सनी पाजी ने कौन से पाप कर दिए हैं, वो भी एक रीमेक कर लेंगे तो जो हेटर लोग ट्रोल कर रहे हैं सनी पाजी को कि यार रीमेक बनाता है, फालतू फिल्म बनाता है, भैया अजय देवगन ने भी तो शैतान बना के कोई वो थोड़ा कर लिया है, वो भी तो रीमेक ही है, दृश्यम भी रीमेक आई, मलयालम फिल्म की जोसफ की रीमेक है सूर्या, तो ऐसे में क्या गलती है भाई, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ेगी और लिख के ले लो इसका कॉन्टेंट ही इतना खतरनाक होने वाला है, यू कांट बिलीव दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये फिल्म 2018 में आई थी, 138 मिनट की फिल्म थी, और इस फिल्म के अंदर दोस्तों आपको बता दूं कि दीपक मुकुट इसके प्रोड्यूसर है, MM मूवीज़ के दीपक मुकुट है। देखो यार मैंने बताया भी था जब मैंने सूर्या की अपडेट दी थी आपको कि सूर्या के अंदर विलन तो फाड़ू होंगे होंगे, सूर्या जो है ड्रामा फिल्म होने वाली है, सस्पेंस फिल्म होने वाली है, एक्शन एंड क्राइम और थ्रिलर से जुड़ी हुई फिल्म होने वाली है। मतलब इस फिल्म के अंदर मैं जब ये रिलीज होगी ना भाई, मैंने जोसफ देखी है, मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मुझे इतना पता है कि दृश्यम, दृश्यम 2 एंड शैतान लिख के ले लो भाई, अभी लिख के ले लो, सूर्या फिल्म अगर सही से डायरेक्ट हो गई, ऑफ कोर्स एम पद्म कुमार ही मेन डायरेक्टर है, ओरिजिनल डायरेक्टर, एंड भाई साहब पूरे चांस है, जब डायरेक्टर देखो यार जब डायरेक्टर वही होता ना पुराना तो फिल्म के अंदर ना फिर फिनिशिंग आती है, डायरेक्टर चेंज है नहीं, प्रोड्यूसर से कोई घंटा फर्क पड़ना है, मेन तो काम डायरेक्टर ने करना है, हीरो ने करना है, अब हीरो हमारे सनी देओल साहब है। देखो इसमें मैंने आपको एक्टर बता दिए, रवि किशन जी है, बड़े बड़े तमाम है एक्टर लोग हैं। देखो यार ये फिल्म जो है पहले छोटे बजट पे रिलीज की गई थी, जोसफ के अंदर मलयालम में ही ये फिल्म रिलीज की गई थी, लेकिन इस फिल्म ने वो करिश्मा कर दिया स्टोरी के माध्यम से, जो कि दोस्तों आपको बता दूं कि जो बड़ी फिल्म नहीं कर पाती, लेकिन उन छोटे फिल्मों को पहचान देना, दैट इज कॉल्ड रीमेक, जो अजय देवगन साहब कर रहे हैं, जो अभी सनी देओल की आ रही सूर्या, दोस्तों ऐसे में पूरी दुनिया पहचान रही है कि हाँ भाई ये फिल्में भी रीजनल बेसिस पे बनती है, और उसको एक पहचान देना, उसको ब्लॉकबस्टर करार देना, और कई
कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो यार उन लोगों तक ऐसे मैसेज ऐसे कंटेंट को पहुंचाना तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो कि एम पद्म कुमार के द्वारा बनी जा रही है। एंड इसके जो राइटर है सूर्या मूवी के शाही कबीर करके है। जी हाँ, देखो यार ये फिल्म का मैंने स्टोरी नहीं बताऊंगा बट दो चार शब्दों में बताऊँ तो इसमें सनी देओल जो है एक रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेशन में चले जाता है और क्योंकि उसकी वाइफ ख़त्म हो चुकी होती है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो अपनी ज़िंदगी में एक टाइम पर ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि भाई उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है एंड टोटली दोस्तों पूरा का पूरा जो है ना वो डिप्रेस हो जाता है, मतलब उसको अब कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। ऐसे में एक केस उसके पास है, पुलिस इंस्पेक्टर जो उसकी टीम होती है पुरानी वो कर आती है, उनकी हेल्प मांगती है एंड सनी देओल वापस से रीजॉइन कर लेते हैं अपनी टीम को और उस केस को सुलझाते हैं। लेकिन वो केस सुलझते 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 कहां तक पहुंच जाता है कि लास्ट में दोस्तों ये जो क्लाइमैक्स है इतना सॉलिड है आप यकीन करो कि भाई यहां पे क्या होने वाला, मतलब यार उस क्लाइमैक्स के अंदर ना इतने सस्पेंस रिवील होते हैं, सनी देओल को क्या क्या खुलासा करना पड़ता है और उसको क्या क्या दिखता है मंजर, उसको इतने सरप्राइज चीजें मिलती है आप दोस्तों बिलीव नहीं करोगे। उसकी वाइफ का मर्डर मिस्ट्री खुलता है, फिर उसकी एक डॉटर बीच में आ जाती है, फिर दोस्तों एक हॉस्पिटल का स्कैम वो खोलता है, लेकिन इन सब के बीच सूर्या मूवी के अंदर क्या सनी देओल ऑफ कोर्स जिंदा बचता है या मर जाता है, ये तो दोस्तों बहुत बड़ा सस्पेंस है जो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के भाई अगर ऐसे में रवि किशन जो कि अभी लापता लेडीज़ में थे और उनका काम बेहद ही लोगों को पसंद आ रहा है और लापता लेडीज़ भी अच्छा कलेक्शंस कर रही है, ऐसे में दोस्तों रवि किशन अगर साथ देते हैं, सनी देओल है, चित्रांगदा सिंह वेरी हॉट एंड ब्यूटीफुल, बड़े बड़े एक्टर है दोस्तों और क्या पता किसी ना किसी का बिग कैमियो भी हो सकता है। तो दोस्तों सूर्या मूवी जो है देखो अभी राजस्थान में इसकी पूरी शूटिंग हो चुकी है, राजस्थान में मोस्टली शूट लिए गए हैं और आपको बता दूं कि जो लोकल लैंग्वेज होगी जो एक्सेंट होगी राजस्थानी मारवाड़ी लैंग्वेज की होगी। ये फिल्म दोस्तों ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीटेड है, इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रिलीज की अनाउंसमेंट है बट अभी तक जो प्रोड्यूसर है एंड फिल्म मेकर है अभी तो कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है। तो सबसे पहले ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब आ सकता है, देखो यार जून के एंड में, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जून के एंड में ये फिल्म जो है दोस्तों इसका टीजर इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ सकता है। बट ये फिल्म दोस्तों इस साल बहुत ही चांसेस है कि ये रिलीज होगी क्योंकि 2025 के चांस ज्यादा लग रहे हैं, बट इस साल टीजर ट्रेलर पोस्टर्स आ सकते हैं इस फिल्म की प्रमोशंस और दोस्तों से ग्लिम्स और विजन्स जो है फिल्म मेकर जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सूर्या मूवी जो है इसका जो बजट है बेहद ही कम है, मतलब 60 से लेकर 65 करोड़ के आसपास की फिल्म है, बहुत ही कम बजट की फिल्म है और आपको बता दूं कि यार कम बजट की फिल्में जब रिटर्न अच्छा देती है ना तो बॉक्स ऑफिस पे इसका कलेक्शन धांसू आता है। अभी शैतान दोस्तों बॉक्स ऑफिस में तगड़ा बिजनेस कर रही है, 3-3 दिन में 60-60 करोड़ से ऊपर जा रही है। ऐसे में जहां पर सनी देओल की सूर्या रिलीज होती है तो क्या सूर्या दोस्तों ऑफकोर्स शैतान दृश्यम 2 के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्या शैतान के जो बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन आ रहे हैं फर्स्ट डे का 15 करोड़ क्या उसके प्रोडक्शन भी उसके कलेक्शन भी सूर्या मूवी तोड़ पाएगी दोस्तों, एंड क्या सूर्या एक नई पहचान बना पाएगी अजय देओल की फिल्म जो फैमिली वैल्यूज को दे रही है, क्या सनी देओल जो जाने जाते हैं अपने एंग्री यंग मैन के नाम से, उनकी फिल्मों में हमेशा एक्शन होता है, क्या दोस्तों ऐसे में ये प्रोजेक्ट उनके लिए सुटेबल होगा और क्या ये फिल्म दोस्तों ऑफ कोर्स ये झंडे गाड़ पाएगी बॉक्स ऑफिस पे, यह एक एक्सपेरिमेंट बन सकता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के अनाउंसमेंट से देखो बहुत सारी भतेरी फिल्म आ रही सनी देओल की, उनके अनाउंसमेंट से दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी छपरी गैंग है कहीं ना कहीं घबरा तो गए हैं, सही में घबरा गए क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई सनी देओल बॉक्स ऑफिस का किंग बने एंड किंग दोस्तों एक ही है हमारे बॉलीवुड का बाप सनी देओल। लाइक कमेंट करके बताओ क्या सूर्या मूवी के लिए आर यू एक्साइटेड, क्या सूर्या मूवी बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ पाएगी, क्या ये फिल्म दोस्तों लगभग 500 करोड़ के पार जा पाएगी या फ्लॉप भी हो सकती है। लाइक कमेंट करो अपने भाई रवि चौधरी, प्यार दो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और इसी तरह भाई कंजूसी मत करो, कमेंट भर भर के करो क्योंकि कल संडे है, देओल दिन भर का एपिसोड नंबर 3 में आप लोगों के कमेंट चिपकाए जाएंगे तो भैया कमेंट में डिले नहीं होगा, एक एक बंदा 50-50 बार कमेंट करो और आपके कमेंट वहां पढ़ूंगा देओल दिन भर के एपिसोड नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।